दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ रांची के फेमस सिलाईवा हांडी मटन। यहाँ डेली 200 किलो ओरिजिनल उदंत देसी खस्सी बकरे का हांडी मीट बनाया जाता है। देखिए ये ओरिजिनल खस्सी इसी को बोला जाता है। रांची झारखंड के लोगों द्वारा इनकी कोयले पर बनी देसी हांडी मटन मेकिंग बहुत ही पसंद की जा रही है और इनको यहाँ लच्छे पराठे और किंग साइज पराठा के साथ में सर्व किया जाता है। तो दोस्तों आज हम आ गए हैं सिलाईवा रेस्टोरेंट है एक उसके वर्कशॉप पे जहाँ पर ये सारी हांडियाँ बनाई जाती हैं। आप देख सकते हो सामने आपको इतनी सारी हांडियाँ दिख रही होंगी ये चूल्हे पे। ये कच्चे हैं, ये कच्चा वाला है, ये कच्चे आप लोग को दिखाने के लिए, ये कच्चे से मटन से तैयारी होता है। ये देखिए, ये देखो ये कच्चा, भी कच्चा है। हाँ। सब कच्चा है आपका। तो इसमें ये जो मसाला ये जो आपने मटन बना के रखा है इस कैसे प्रिपरेशन क्या डाल? ये मसाला हम लोग का जितना है मसाला डाल के प्याज डाल के मिक्स करके हंडी में तेल उल दे के हम लोग आटा से इसको सील कर देते हैं इस तरह। अच्छा, से अच्छा सील कर देते हैं। हाँ। बकरा कौन सा यूज करते हो इसमें आप? इसमें खस्सी होता है, खस्सी बकरा ही यूज करते हो? सलावा हंडी मटन का बात करें कि हम लोग का खस्सी नहीं होता तो हम लोग मटन नहीं बनाते, उस दिन दुकान बंद कर देते हैं। अच्छा, मतलब खस्सी नहीं होता दुकान ही बंद कर देते हैं? क्या बात है। मतलब तो देखो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अलग अलग साइज की मटकी है, है ना? ये 1 किलो का है। अरे वाह यार, ये देखो किस तरह से रोगन ऊपर आ रखा है। तो इसमें आप पानी डालते हो क्या? ये नहीं सर, एक बूंद भी पानी नहीं डाला था, इसलिए तेल एक बूंद भी पानी नहीं डाला था भी नहीं सर। तो तेल ज्यादा डालते हो? तेल अपना हिसाब से डाला जाता है, ज्यादा। अच्छा, वैसे तो होता तो ये है कि जो मटन है वो भी अपना पानी छोड़ता है। हाँ, वो तो हल्का हल्का छोड़ेगा पानी, प्याज में भी छोड़ता है। हाँ, प्याज भी छोड़ता है, तो उस हिसाब से ये देख सकते हो। एक बार चलाओगे थोड़ा सा इसको? जरूर चला देंगे। ये देखिए दोस्तों यार, ये है कलेजी, ये ओनली फॉर कलेजी है। अच्छा, ये सिर्फ कलेजी? कलेजी है। क्या बात है। तो ये किसी ने क्या ऑर्डर दिया है क्या? किसी ऑर्डर नहीं है सर, अलग से जैसे आप खाते हैं 50 ग्राम दीजिए 100 ग्राम दीजिए, तो हम लोग अलग से ही कलेजी बनाते हैं, इसमें मटन में नहीं डालते हैं। अच्छा, क्या बात है दोस्तों। और ये हुआ मटन आपका 1 किलो वाला, ये हुआ 1 किलो वाला मटन। मटन ये देखिए, ये देखो दोस्तों यार क्या लपटवा है। मतलब यार इसकी ग्रेवी मतलब बहुत शानदार लग रही है। पीस उठाइएगा जरा सा। ये सर, अरे वाह, ये देखो दोस्तों ये लल्ली पीस, ये देखो नली पीस। और ये जो चंपारण आहूना मटन बनता है ना, ये वो प्रिपरेशन है। तो ये देखिए किस तरीके से ये लाइन से लगा हुआ है। तो आधा किलो की क्या प्राइस होती है? आधा किलो का 750 रुपया, 1 किलो का 1500 रुपया। 1 किलो में कितने पीस आ जाते हैं? 1 किलो में कम से कम 22 से 24 पीस, और आधा किलो में 10 से 12 पीस। 10 से 12 पीस आ जाते हैं आधा किलो में? हाँ सर। क्या बात है यार दोस्तों, इस हिसाब से तो मतलब जो प्राइस है ना वो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली प्राइस है जिस हिसाब से ये पीसेस बता रहे हैं। एक्चुअली ये मेन रेस्टोरेंट नहीं है, ये इनका वर्कशॉप है जहाँ पे ये पहले प्रिपेयर करते हैं हांडियों को और उसके बाद आप वहाँ पे भेजते हो ना? हाँ, दुकान पे चले जाते हैं। दुकान पे चला जाता है फिर इनकी जो ये हांडी मेकिंग होती है, हांडी में क्या क्या डलता है, किस प्रोपोर्शन में डलता है, आइए एक बार चेकआउट करते हैं। तो दोस्तों ये है, इस तरह से जो है हांडियां मेकिंग होती हैं। ये है मतलब अपना खस्सी का मटन, है ना, ओरिजिनल खस्सी का मटन। और ये देखिए ये पूरा सेटअप है इनका, ये पूरा देखिए यहाँ पे। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए इसमें जो है ये प्याज लिए जाते हैं और प्याज को पहले है ना यहाँ पे मेज़र किया जाता है। देखिए यहाँ रख दिया इन्होंने, और ये देखिए आधा किलो की, ठीक है। तो आधा किलो की मटकी में कितना प्याज लिया है आपने? ये 330 ग्राम, 330 ग्राम प्याज इन्होंने ले लिया है। और ये देखिए अब यहाँ से ये जो है मटन लिया जा रहा है। ये देखिए कौन से पीस डाल रहे हैं सर आप? फूट वाला, नली वाला, चार। अच्छा, सारे पीस डाल रहे हैं मतलब एक। और देखिए ये और भी पीसेस निकाल रहे हैं। कलेजी वलेजी भी डालते हैं आप? कलेजी साइड में अलग बनता है। अच्छा, अलग से बनता है कलेजी। छांट के पीस लेते हैं और इस तरीके से देखिए फिर इसको तोला जाता है, यहाँ पे मेजर किया जाता है। जब मेजर हो जाता है ये देखिए अब इसको इसमें डाल दिया गया। अभी सर कौन सी मिर्ची डाल रहे हैं? कश्मीरी, कश्मीरी मिर्ची। इससे कलर अच्छा आ जाता होगा, है ना? कलर के लिए है, कलर के लिए ही है। और ये डाला आपने, ये कौन सा है? ये अदरक लहसुन का पेस्ट, लहसुन सिर्फ लहसुन का पेस्ट। और ये एक साबुत लहसुन भी डाली है आपने, है ना? अब ये डल रहा है जीरा, ये क्या काली मिर्च, और ये थोड़ी सी हल्दी, और ये एक और मिर्च जो तीखी मिर्च है, और ये क्या है? गरम मसाला, गरम मसाला, और ये फिर लास्ट में नमक। तो ये सारी चीज़ें देखिए इसमें डाल दी हैं। और ये आ गई है हमारी हांडी आधा किलो की। ये है सरसों का तेल है ना ये? तो ये जो सरसों का तेल है ये पकाया कच्चा दोनों मिक्स है, तो पकाया हुआ भी और थोड़ा कच्चा भी है। क्या बात है, देखो इसको इस सबको मिक्स किया जा रहा है। इसमें भी तेल डाला था अभी थोड़ा सा, है ना, इन सबको मिक्स करके। और इसमें भी देखिए पहले तेल डाला है और अब ये डाल दिया, देखो सारा मटन और ये पूरा जो इन्होंने मिक्सअप बनाया है। क्या बात है यार, पूरी देखो ये जो हांडी है पूरी ऊपर तक भर गई है पूरा प्रॉपर। ये आधे किलो की देखिए मटकी हो गई रेडी,
और ये है 1 किलो की। और ये अब इसको पैक किया जाएगा। ये देखिए ये कर दिया इसको पैक पूरा, मतलब देखो दबा के कोने से आटा लगा रहे हैं ताकि अंदर तक आटा चला जाए और ये सील पैक हो जाए बिल्कुल। ये देखिए क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। देखिए ये हो गई है पूरी सील पैक हो गई है। देखिए अब देखिए ये एक एक करके जो है ना हांडियों को ये जो जो पक गई है उसको यहाँ पे अलग कर रहे हैं। तो अब ये क्या भेज दोगे? ये भेज चला जाएगा, फिर दोबारा मटन आएंगे, फिर हम लोग यहीं पर बनाएंगे। अच्छा, तो पूरा दिन बनता ही है? बस बनता। कितनी एक दिन में कितनी हांडियाँ निकल जाती हैं? कम से कम एक दिन में हम लोग का तो मालिक लाता है 7-8 खस्ती। हाँ। तो एक भर में लगभग 50 हांडी होते हैं। हाँ। उसके बाद दोबारा टिप चढ़ेंगे तो और 50 चढ़ेंगे। हाँ। उस हिसाब से 2-3 बार हम लोग को बनाना पड़ता है। अच्छा, तो इस हिसाब से तो 250-300 हांडियाँ हो गई है तो। हाँ हाँ, तो ऐसा ही 7-8 खसी आ रहे। क्या बात है दोस्तों। अब ये जो जो पक गया इसको बिल्कुल अलग यहाँ पर कर रहे हैं और ये अब इनके चला जाएगा रेस्टोरेंट पे और फिर वहाँ पे लोग इसका लेंगे मजा। तो भाई साहब आपने ये इस पे क्या लिखा है? एम खाली बोनलेस है। बोनलेस? अच्छा, इसमें खाली बोनलेस पीसेस हैं। अच्छा, मतलब बोनलेस अलग बनाते हो? सबका ध्यान रखा हुआ है मतलब? हाँ। अच्छा, इसमें कलेजी अलग है? हाँ, ये कलेजी आपका। इसीलिए आपने इस पे है ना, देखो इन्होंने ये आटे से के लिखा है इस पे, इसमें सिर्फ कलेजी है। हाँ। बट चला के दिखाइएगा। बात है यार, ये देखो क्या बात है। एक एक कलेजी निकाल सकते हो उसमें से? जरूर। ये मैं एक कलेजी ले लेता हूँ इसमें से, क्योंकि मेरे को भूख भी लग रही है और ये जिस तरीके से इन्होंने बनाया है ना, देख के रहा नहीं जा रहा। तो एक बार खा करके देखते हैं। ये गर्म है बहुत। ये देखिए टेस्ट बहुत सही है। बहुत सही है, बहुत बढ़िया। ये यहाँ के देहात में ये एक्चुअली चर्बी बहुत खाते हैं यहाँ के लोग। ये देख सकते हो आप, लहसुन भी डाला हुआ है ना, बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पे आपको कस्टमाइज हांडी भी मिल जाएंगी, जैसे ये चर्बी की है, इसमें सिर्फ कलेजी है, उसमें बोनलेस वाली हांडी भी है। तो सब प्रकार की हांडी भी बनाते हैं। तो जैसी कस्टमर की डिमांड होती है उस तरीके से उसको पेश कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये हैं राकेश सिंह जी, जो कि ऑनर हैं सलाइवा के। सर एक बार आप मुझे ये बताएं कि एक तो सलाइवा कितना पुराना है आपका रेस्टोरेंट? 6-7 साल हो गए ऑलमोस्ट। 6-7 साल हो गए ऑलमोस्ट। मैं ये जानना चाहता हूँ, हालांकि मैंने प्रोसेस तो देख लिया पूरा, रांची में इसका चलन बहुत है? रांची में चलन नहीं है, रांची में लाने वाले हम ही है। अच्छा, ये है वैसे बिहार और पटना? बिहार का, चंपारण का है ये। वो था हमको वो मार्केट पकड़ना था एक्चुअली। बहुत बार सोचते हैं लोग क्या मटन मिलेगा कैसा मिलेगा, तो वो एक मार्केट गैप था जिसको हमको पकड़ना था। सर एक तो 2-3 मेरे सवाल थे जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि मैं ये प्रिपरेशन बहुत जगह खा चुका हूँ है ना। तो एक तो बिना पानी डाले इसमें इतना अच्छा ग्रेवी कैसे बन रहा है, सबसे पहली चीज, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? वो प्याज छोड़ता है ना पानी हल्का हल्का, और धीमी आंच पे बनता है। अच्छा, प्याज जो धीरे धीरे रिसता है। हाँ। तो वो टाइम एक्चुअली ये कैसा टाइम आएगा ना, 2 घंटे के बाद कि मटन और प्याज बिल्कुल गल जाता है। अच्छा, तो मटन खाने लायक हो जाएगा और प्याज बिल्कुल दिखेगा नहीं। अच्छा, और एक ग्रेवी भी बंद थिक ग्रेवी बन जाएगी। हाँ, वो इसका टेस्ट। और बहुत लोगों को ये पता है कि खसी का मीट बढ़िया होता है, ठीक है, पर खसी क्या होता है ये लोगों को नहीं पता। ये बात। तो सर जैसे आपने सारी चीजें बताई है ना, तो अभी हम बात करते हैं, जैसे ये इतनी सारी यहाँ पे हांडियां हैं ऑलरेडी, बनने के बाद ये किस तरह से रहता है और क्या क्या बारीकियां होती हैं? ये देखिए, ये जो तेल है ये पका हुआ तेल है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल जो है उसको हम निकाल देते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा ऑयल जो होता है उसको आप निकाल देते हैं। हाँ, ये इंडिकेट कर रहा है कि मसाला आपका बिल्कुल रेडी हो गया, तैयार हो गया आपका, ये बिल्कुल पक चुका है मसाला, बिल्कुल पक चुका है। दोस्तों ये देखो, ये है माहौल यार, क्या कलर है, इतना डार्क कलर। ये देखिए, ये नली वाला पीस है, इसका भी बहुत डिमांड है। नली का वैसे भी डिमांड हमेशा रहता है, नहीं हर कोई नली और चाप वाली चीजें मांगता है। तो दोस्तों देखो, इसमें भी जैसे ये लहसुन की कली आप देख सकते हो पूरी डाली गई है, ये एक्चुअली एक अलग फ्लेवर देती है ना। यूजुअली लहसुन वैसे खा नहीं पाते। सही बात, इसमें क्या है कि ग्रेवी के साथ, फ्लेवर के साथ भी मजा आता है। तो सर ये किस किस के साथ चलता है? मतलब हमारा बहुत जो फेमस रांची में वो है हमारा प्लेन पराठा, बहुत साइज उसका बड़ा होता है। हाँ। और लच्छा पराठा, इसके अलावा लिट्टी बनाते हैं बिहार वाला हम लोग, तो सत्तू वाला लिट्टी, सत्तू वाली लिट्टी। तो गोल बनाते हैं कि चपटी बनाते हैं? नहीं, वो हल्का चपटा करते हैं, वो हल्का चपटा करने से सेकने में थोड़ा आसान हो जाता है, पक ये होता है। इसके अलावा राइस जो कॉमन है, राइस तो चलता है, जीरा राइस, प्लेन राइस और जीरा राइस। आपके यहाँ वैसे हमने पूरे बाकी रांची में तो देख लिया कि भात यानी चावल ज्यादा चलता है, आपके यहाँ जब आते हैं लोग तो ज्यादा क्या खाते हैं? नहीं, हमारे यहाँ पराठा और मटन। अच्छा, पराठा हांडी मटन मेजर हमारा जो होता है वो पराठा ही चलता है, लिट्टी चलता है। तो आज हम भी मतलब लिट्टी भी ट्राई करेंगे और पराठा भी ट्राई करेंगे, है ना। तो और सर इसके टाइमिंग्स क्या रहते हैं आपके रेस्टोरेंट के? टाइमिंग हमारा शिफ्ट तैयार हो जाता है पहला 12 बजे के आसपास, उसके बाद से कंटिन्यूस हमारा चलता रहता है रेस्टोरेंट रात के 11 बजे तक।
तो दोस्तों देख सकते हो ये पूरी प्रिपरेशन है, हांडियां बिल्कुल बनकर के रेडी है, एक लौटी अभी बनकर के रेडी है ना, जाने वाला है। चलिए आपको हम दिखाते हैं ओरिजिनल खस्सी किसको कहते हैं। अच्छा तो खस्सी लेने चलें। चलिए चलिए सर। ये ओरिजिनल खस्सी हुआ, इसको बढ़िया खस्सी बोलते हैं। अच्छा ये इसका पहचान है यार। अच्छा देखिए ये दांत में क्या दिखाया आपने, दांत अभी इसका दांत नहीं हुआ, साल भर के दिन, साल भर के भी नहीं, छोट अभी। अच्छा ऊपर दांत ही नहीं आया है, ऊपर दांत नहीं रहता है सर। अच्छा इसका मटन एकदम सॉफ्ट आएगा। यहाँ मटन लेने हम लोग आते हैं, यहाँ प्योर बढ़िया खस्सी हमको मिलता है यहाँ, और जब भी मटन लेना हुआ मैं या राकेश जी ये दो ही आते हैं, तीसरा कोई स्टाफ नहीं। यहाँ का लोकल देहाती जो खस्सी होता है छोटे खाने वाला, वो खस्सी मंगवाते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और जैसा कि आपको पता है कि मैं हूँ रांची में, तो आज हम लोग फिर से एक नई जगह पर आए हैं जायका तलाशते हुए। तो ये सलाइवा के नाम से एक जगह है, सलाइवा रेस्टोरेंट, जो कि हांडी मटन बनाता है, हांडी मीट बनाता है। सारी प्रिपरेशन होके ये हमारे सामने टेबल पर आ गया है। ठीक है, तो ये है आधे किलो की एक हांडी हमने ली है, क्योंकि आधा किलो भी मेरे अकेले के लिए तो वैसे ज़्यादा है, लेकिन हांडी का जो फील होता है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल गर्मा गर्म हांडी है, एक बार आप आइए देखिए, मैं दिखाता हूँ। ये सील इन्होंने खोल दी थी नीचे ही, ये देखिए ये आया निकला धुआं गर्मा गर्म। और दोस्तों होता क्या है कि जब ये सर्व करते हैं हांडी कस्टमर्स को, तो जो रोगन आता है, जिस तरह से आप इस पर देख सकते हो, देखिए इसके ऊपर जो ये रोगन देख रहे हो ना, ये देखो ये जो रोगन है, ये देखिए ये क्या है, इसको अलग निकाल दिया जाता है नीचे इस तरह से, देखिए ये अलग निकाल दिया जाता है। लेकिन मैंने इनको कहा था कि ये रोगन ना निकालें, क्योंकि जिस तरह से आपकी हांडी प्रिपेयर होती है, जिस तरह से प्रिपेयर होकर के आपके सामने पहली बार आती है, वैसा मैं अपने व्यूअर को दिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने वैसी ही मुझे दे दी और मैंने आपको दिखाया किस तरह से रोगन नीचे निकाला जाता है, उसके बाद में जो प्रिपरेशन बचती है वो ये होती है। देखो क्या कलर है, देख रहे हो आप, मतलब ये कलर जो है ना, आपको पता है मैं ऐसे जो पीसेस होते हैं ना जिसके ऊपर ये ग्रेवी अलग से आपको दिखती है, प्याज की मोटी ग्रेवी, जो अरोमा आ रहा है ना, जो खुशबू यहाँ से आ रही है स्मोकी फ्लेवर की, मटकी का जो फ्लेवर होता है, यू नो, बहुत ही सही आ रही है यार। तो ये देखो इस, ये देखिए यार, ये देख रहे हो धुआं, देख रहे हो कितना गरम गरम बिल्कुल। और ये देखो यार, ये और भी पीस अपन निकालते हैं, ये देखिए एक नली का पीस भी आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। तो इसको तो मैं इस लच्छे पराठे के ऊपर रख लेता हूँ, ये देखिए मैं इसको यहीं रख लेता हूँ। अब हम इसमें से ये कुछ और पीसेस निकालते हैं, ये देखिए, ये देख रहे हो आप, ये देखो, ये देखो यार, ये है फील यार, ये देख रहे हो, ये इसमें ले लेते हैं अपन, ये देखो यार। और ये थोड़ा सा जो इसकी ग्रेवी है ना, इस ग्रेवी की है ना कंसिस्टेंसी को देखिए, ये देखिए ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देख रहे हैं आप यार। ये ग्रेवी जब आ जाती है ना मेरे पास तो बहुत ही मज़ा आ जाता है, और इसको जो अरोमा है यार, जो इनके मसालों का, बहुत ही सही आ रहा है। और एक्चुअली ये क्यों आ पा रहा है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जब हम इनके वर्कशॉप गए थे जहाँ पे हांडिया मेकिंग हो रही थी, वहाँ पे हमने जैसा कि आपको दिखाया था, हर एक हांडी का मसाला, हर एक हांडी का प्याज और हर एक हांडी का जो मटन होता है ना, उसकी क्वांटिटी फिक्स होती है। अब ज़्यादा देर नहीं करते, और ये लच्छा पराठा, मैं नीचे था जब इनका ये लच्छा पराठा बन रहा था, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये लच्छे पराठे को इस तरह से तवे पे डाल के ना बढ़िया से, बहुत ही अच्छे से ये है ना, इसको सेक करके देते हैं। और ये देखिए अब इसका अपन एक नली के पीस को, ये देखो यार, ये देख रहे हो, हाँ, ये देखो गलावट देखो इसकी, ये देखो कितनी इजीली अलग हो गया। को अपन लेते हैं इस ग्रेवी के साथ में, ये देखो ये है बाइट, देख रहे हो, मतलब जो इसका टेक्सचर है ना यार, जो इसका मटन है वो इतना सॉफ्ट है, उसके अलावा जो ये ग्रेवी है ना प्याज की। तो दोस्तों देखो ये एक और मैं आपको पीस दिखाता हूँ, ये देखो ये चाप का पीस है, और ये देख रहे हो बिल्कुल, मतलब ना ये देखो, इधर आओ आप, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो दबाते ही देखो किस तरह से बिखर रहा है ये पीस, ये है मतलब इसके मटन की क्वालिटी बहुत सही, मतलब जो हांडी में ये गलता है ना, बहुत सही गला हुआ है ये, जो ये ग्रेवी है ना, ये रोगन देख रहे हो उसके ऊपर, एक बूंद भी इनका कहना है पानी नहीं डलता इसमें, पूरा जो रोगन है, जो इनकी ग्रेवी तैयार हुई है, जो इन्होंने प्याज डाला है, उस प्याज, जो प्याज भी पानी छोड़ता है आपको पता है, और उसके अलावा
जो मटन होता है मटन भी पानी अपना छोड़ता ही, इन सबको मिला के और जब मसाले पकते हैं ना तब ये रोगन आता है, तब ये कंसिस्टेंसी आती है। एक और ये बाइट आप चेकआउट कीजिए, ये बाइट है, ये देखिए। ओ भाई यार, एक्चुअली दोस्तों पता है क्या चीज़, जब से हम लोग रांची आए हैं ना, हालांकि सब लोग बोलते हैं कि हम खस्सी बकरा बनाते हैं, खस्सी बकरा बनाते हैं, बहुत सारी जगह पे हमने खाया, जो जो यहाँ का देहाती वर्ग है जिस हिसाब से उनकी मेकिंग होती है वो भी आपने देखी किस तरह से वो लोग बनाते हैं, उनके जो मटन में ना खिंचाव, हमने जब भी मैंने खाया था वहाँ पे खिंचाव एक महसूस होता है। तो उनके पकाने का स्टाइल, उनका बनाने का स्टाइल और वो जो बकरा खरीदते हैं, खस्सी जो खरीदते हैं वो, उसकी क्वालिटी, अब इसकी क्वालिटी डिफरेंट बता रहे थे यहाँ के जो ऑनर है, लेकिन वो क्वालिटी डिफरेंट लग भी रही है। जब मैंने ये दो बाइट लिए, मटन का मैं एक पीस भी खाता हूँ ना तो मेरे को थोड़ा सा भारी लगने लगता है, लेकिन ये इतना लाइट है ना, मतलब अभी मैं दो पीस का खाया मेरे को बहुत लाइट लग रहा है। अभी भी देखो ये और भी यहाँ पे पीसेज हैं, ये देखो ये चाप का पीस है, ये देखो मटन किस कदर गला हुआ है, देख रहे हो आप, ये मटन है, ये ग्रेवी के साथ में प्याज की ग्रेवी है, ये जो टेस्ट और टेक्सचर आ रहा है ना, मसाले यहाँ पे बैलेंस लग रहे हैं। दोस्तों आपको याद होगा अपन सर के साथ में मटन देखने चले थे कि रियल खस्सी, मतलब खस्सी की जो क्वालिटी होती है सबसे बेस्ट, उसकी पहचान कैसे करते हैं, ये खुद जाते हैं, खुद लेकर के आते हैं, और इनको एक्चुअली पता है, इनको बहुत सालों का तजुर्बा है खस्सी का, इन्होंने बताया था ये, यू नो स्वादिष्ट खाना देख के जो लार टपकते ना उसको सलाइवा बोलते हैं, आपको बताइए, तो सलाइवा रेस्टोरेंट के नाम से इन्होंने ये ओपन कर लिया और अभी ये एक ब्रांड बन चुके हैं रांची में। और मैं भी आपको कहूँगा, मैं ये टेस्ट खा के ना जितना सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं खुद भी रिकमेंड करूँगा अगर आप लोग रांची आते हैं हांडी मटन आकर के एक बार ज़रूर खाइएगा। इसका जो एड्रेस है प्रॉपर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, हालाँकि इनके पास में भी एक शॉप खुली हुई है सेम नाम से, आप वहाँ में जाइएगा, नीचे ये आपको इनके बैनर पर इनकी फ़ोटो दिख जाएगी ऑनर की, तो आप समझ जाएंगे कि नीचे इनका एक पराठा भी बनता है जो यहाँ पर बहुत फेमस है इस वाली डिश के साथ में, क्योंकि उसका एक तो शेप भी ट्रायंगुलर शेप होता है, ये आप देख सकते हो, ये जो पराठा है ना ये इतना बड़ा पराठा है, आप मेरी शक्ल और इस पराठे को देख सकते हो, मतलब इतना बड़ा पराठा अगर एक आदमी मंगवाएगा ना तो अगर पूरा खा ले तो उसको दूसरी रोटी मंगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको भी अपन टेस्ट कर लेते हैं, इसका एक पार्ट बस अपन तोड़ करके, क्योंकि ये भी जिस तरह से नीचे तवे पे जिस हिसाब से वो बना रहे थे ना, इसको शेप देखे बहुत ही बढ़िया लग रहा था। अब देखिए ये एक और पीस, ये देखिए, देख रहे हो आप, मतलब रोटी पे लेते ही हड्डी अपने आप अलग हो जाती है। और एक जो हांडी में प्रिपरेशन होती है ना, तो जो एक स्मोकी के साथ में जो मिट्टी का सौंधापन आता है ना, वो भी आपको इसमें महसूस होगा। और इसकी ग्रेवी चटपटी तो है ही, और प्याज का जो एक बहुत ही हल्का सा मिठास लेकर के होता है ना, वो चीज़ जो कॉम्प्लीमेंट कर रही है यार इसके टेस्ट को। ये देखो, ये मैं पूरा निकाल रहा हूँ, हालाँकि मन कर रहा है खाता जाऊँ, रिव्यू करता जाऊँ, बताता जाऊँ। इसके साथ में देखो एक और डिश है, ये है देखो कलेजी, और ये जो कलेजी है ना, मतलब इसको भी इसी तरह से प्रिपेयर करके हांडी में ही बनाया जाता है। और जब हम वर्कशॉप पे थे आपने देखा होगा हर एक चीज़ की अलग हांडी थी, और ये आपको रोटी के साथ और पराठे के साथ तो अच्छी लगेगी ही। अभी मैंने क्या है, एक अभी जैसे ही आया था ना तो मैंने एक ऐसे उठाई थी है ना, और खा करके देखी थी, एक बार और खा करके देखते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये रोटी के साथ तो अच्छी लगेगी ही लगेगी 100%। इसको आप एज एन स्नैक्स खाओगे तो भी बहुत ही बढ़िया है। और इवन यहाँ के जो ऑनर है वो बता रहे थे कि शाम के टाइम पे यहाँ पे लाइन से गाड़ियाँ लगती हैं और लोग इसको एज अ स्नैक्स, एज अ चखना, जो भी जिस तरह से इंजॉय करना चाहता है उस तरह से इसको ऑर्डर करता है। कलेजी खाने के शौकीन हो तो आप ये डिश भी मंगवा सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये कलेजी इसमें डाली है, और एक इसका भी जो है ग्रेवी, देखिए लाजवाब है, मतलब ये टेस्ट बहुत बढ़िया। इस प्रिपरेशन का जो मैं इसको रेटिंग दूंगा ना, वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, और इसकी रेटिंग तो बकायदा यही होनी चाहिए, एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए इसका, बहुत ही बढ़िया। मुझे ये प्रिपरेशन पर्सनली बहुत पसंद आई। उसके अलावा जो इस हांडी की हमने आधा किलो ये हांडी ली है, इसकी जो प्राइस है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, और ये इसकी प्राइस है हाफ़ की, और अगर आप फुल की प्राइस देखना चाहते हैं तो वो भी स्क्रीन पे है, ये मिलेगा। ये देखो, ये है पूरा लहसुन, ये पूरे लहसुन की कली है, इसको भी अपन एक बार में यहाँ डाल करके थोड़ा सा खा करके देखते हैं, क्योंकि मुझे है ना ये वाली जो चीज़ है ना ये बहुत पसंद है, और राजस्थान में भी हमारे कई बार कई चीज़ों में कई प्रिपरेशन में ये डाली जाती है, तो इसको एक बार ऐसे ही खा करके देखते हैं। भाई साहब यार,
जो इनके मसालों का, प्याज का और गार्लिक का जो कॉम्बिनेशन आया ना अभी मुंह में, बहुत ही शानदार यार। ये देखिए, वन मोर बाइट। आहा, मतलब अगर आप रांची आए और यहाँ नहीं आए सिलाईवा में और ये प्रिपरेशन नहीं खा करके देखी इसी फील के साथ, तो आपकी जो ट्रिप है ना वो अधूरी रह जाएगी। उसके अलावा यहाँ का जो एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आई हाईली रिकमेंड यू कि अगर आप कभी भी रांची आते हैं तो सिलाईवा रेस्टोरेंट एक बार ज़रूर आइएगा, इनकी हांडी मीट की प्रिपरेशन ज़रूर खा करके देखिएगा, बहुत मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। तो मेरी जो वीडियोज़ है दोस्तों, मैं वो यूट्यूब पर तो डालता ही हूँ, उसके अलावा मेरी वीडियोज़ आपको फेसबुक पर भी देखने को मिलेंगी, और उसके अलावा मैं आप मेरे सारे अपडेट्स और रील्स इंस्टा पे भी जा करके देख सकते हो, तो दोनों चीज़ों को आप फॉलो कर दीजिएगा। और इसके अलावा मैंने अभी अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, विच इज़ www.virtualbanjara.com, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। आप मेरे किसी भी ब्लॉग को अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मैं इसको खा के ख़त्म करता हूँ, तो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर नाउ। मैं आपसे मिलूँगा किसी और दिन, किसी और नई जगह पर, किसी और नए जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।